चुनाव से पहले धर्म खतरे में नहीं है, सब कुछ शांति से चलता है, लेकिन जैसे ही चुनाव नज़दीक आता है उसके तुरंत बाद आप देखेंगे कि हिंदू खतरे में है, मुसलमान खतरे में है। धर्म कहीं नफ़रत नहीं फैलाता, नफ़रत धर्म के ठेकेदार फैलाते हैं। तो कुदरत ने जाति नहीं बनाई है। बिल्कुल, आप बीमार होते हैं, आपको इलाज की ज़रूरत है, डॉक्टर कहता है ऑपरेशन होगा, आपको ब्लड डोनेट करवाइए किसी से, आपको ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी ऑपरेशन में, तब आप ये नहीं कहते मुझे किस जाति का ब्लड चाहिए, किस धर्म का चाहिए, तब तो आप कहते हैं मुझे ब्लड चाहिए। इसका मतलब ये हुआ ना कि कुदरत ने तो सबको इंसान पैदा किया है, ये हम लोग हैं जिन्होंने समाज को जाति और धर्म में बांट दिया। आम आदमी पार्टी उसके जवाब में एक वैकल्पिक राजनीति की शुरुआत कर चुकी है, देश को बदलने की शुरुआत, एक नए तरह का सपना, देश को बदलने का सपना जो आम आदमी पार्टी ने देखा वो अपने आप में मतलब आश्चर्यचकित करता है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि एक तरफ नफरत का दौर बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ साथ के साथ ही चल रहा है कि एक पॉजिटिव साइन भी नज़र आ रहा है कि किस तरह काम की शुरुआत करके काम की राजनीति के माध्यम से धर्म की राजनीति की दुकान बंद की जा सकती है। यहाँ आम आदमी पार्टी के माध्यम से बाकी पार्टियों पर हावी होता दिख रहा है, वहाँ भी अब बिजली फ्री की बात चल रही है, सस्ती बिजली की बात चल रही है, वहाँ भी धर्म की बजाय काम की राजनीति की बात चल रही है, वहाँ भी रोजगार देने की बात चल रही है, जब तक ना मिले तब तक गुजारा भत्ता देने की बात चल रही है, कम से कम बात तो चल रही है, तो कम से कम शुरुआत तो हुई। जिस देश में कट्टरपन बढ़ा है वो देश तबाह हो गए, अर्थव्यवस्था बिल्कुल चौपट है, सबका जीवन हमेशा खतरे में रहता है, कुछ नहीं पता कब कहाँ बम ब्लास्ट हो जाए। क्या ऐसा भारत बनाना चाहते हो तो तुम भारत के रखवाले तो नहीं हो, इसका मतलब तुम्हें भारत से प्यार नहीं है। अगर आपको भारत से प्यार है तो यार तुम उनसे सबक लो, पड़ोसी देशों से जो बर्बाद हुए हैं, उन्हीं से तो सबक लेकर ये बोलते हैं कि यदि वो मुस्लिम राष्ट्र हो सकते हैं तो हम हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हो सकते, तो वो बर्बाद हो सकते, तुम क्यों नहीं हो सकते। बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयांपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयांपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयांपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयांपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयांपि संघं शरणं गच्छामि, पाणातिपाता वीरमणि सिखापदं समादियामि, अदिन्नदाना वीरमणि सिखापदं समादियामि, कामेशुमिच्छाचारा वीरमणि सिखापदं समादियामि, मूसावादा वीरमणि सिखापदं समादियामि, सुरा मेरमजपमदठाणा वेरमणि सिखापदं समाधियामि, साधु 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 बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। आपका भगवान बुद्ध से ताना बाना मन का जुड़ाव कब हुआ? ये 9th क्लास में हुआ, जब मैंने 9th पास की तो हमारे यहाँ समाज के कुछ लोग बैठते थे और वहाँ से घोंडा से एक मोजपुर अम्बेडकर बस्ती में एक बौद्ध भिक्षु आए और उन्होंने धम्मदेशना दी। धम्मदेशना, तो धम्मदेशना उसका क्या मतलब है? उसमें धम्म पे वो कोई चर्चा करते हैं और बुद्ध की शिक्षाएं बताते हैं या कोई गाथा बुद्ध के समय की बताते हैं, तो उससे वो एक तरीके से टीचिंग देते हैं।
तो उसमें शामिल होने के लिए गोंडा से डॉक्टर अम्बेडकर बस्ती हम लोग गए और उसको सुना, उसका एकदम बहुत प्रभाव पड़ा। एक तो बचपन से ही उस तरह की सोच रही, साइंटिफिक तरीके से सोचना, मतलब मैं कभी बचपन से ही पूजा पाठ की तरफ अग्रसर नहीं रहा, हमेशा मैं अलग दृष्टि से सोचता था, मतलब सही है या नहीं है कोई बात, कोई बात मुझे कह रहा वो सही है या नहीं है तो मैं अक्सर उस पर साइंटिफिक टेम्परामेंट, हाँ, सोचता था, साइंटिफिकली सोचता था और उसी हिसाब से अपने लाइफ को मैं चलाता था। तो वहाँ से बुद्ध की के बारे में जब जानने को मिला तो उनका एक साइंटिफिक सोच और उनका ये कहना कि कोई भी बात इसलिए मत मानो कि ये मैं कह रहा हूँ तो इसलिए सही है, किसी बात को इसलिए भी मत मानो कि कोई बहुत बड़े विद्वान ने कही है या किसी धर्म के धर्म ग्रंथों में लिखी है, बल्कि किसी भी बात को मानने से पहले आप पूरे तरीके से उसका बुद्धि और तर्क से, विवेक से, उसको तर्कपूर्ण तरीके से उसका विश्लेषण करके देखो, उसको अनुभव करके देखो, प्रैक्टिस करके देखो, उसके बाद भी आपको लगे कि ये बात सही है तो तब आप उस बात को मानो। तो ये बात थी जिसने हमें अपील किया। ऐसा कहीं और देखने को नहीं मिलता कि किसी भी बात को आप, और जगह ये मिलता है कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही है। तो इतनी कम उम्र में इतनी छोटी सी बात ने प्रभावित किया जिसकी वजह से बुद्ध की तरफ आकर्षण बढ़ा। तो अभी जब हम ऊपर भगवान बुद्ध की प्रतिमा को नमन कर रहे थे उस समय आप कुछ मंत्रोच्चारण कर रहे थे, उसमें कोई एक मंत्र का कुछ मायने आप बता पाएंगे? मैंने उसमें तिस्सरण और पंचशील बोला। हम पहले बोलते हैं नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्म बुद्धस्य, यानी मैं बुद्ध के समान उस व्यक्ति को जिस जो अरहत हो गया है, जिसने राग द्वेष लोभ मोह पर नियंत्रण कर लिया है, मैं ऐसे तथागत को नमन करता हूँ। उसके बाद मैंने बोला बुद्धंग शरणं गच्छामि, धम्मंग शरणं गच्छामि, संगंग शरणं गच्छामि। यही बात मैंने दूसरी बार और तीसरी बार बोली। इसका मतलब है, बुद्ध का मतलब बुद्धि से और विवेक से, ज्ञान से है कि मैं ज्ञान की शरण में जाता हूँ। धम्मंग शरणं गच्छामि, धम्म का मतलब न्याय से कि मैं न्याय की शरण में जाता हूँ। संगंग शरणं गच्छामि, संग का मतलब होता समाज से, एक ऐसा समाज जो प्रजातांत्रिक दृष्टि से सोचता हो, जिसमें फैसले कोई एक व्यक्ति ना लेता हो बल्कि संघ में डिस्कशन करके प्रजातांत्रिक तरीके से फैसले लिए जाते हो, तो ऐसे संघ की शरण में जाता हूँ। इसके बाद मैंने पंचशील बोला। पंचशील एक बौद्ध धर्म का बहुत आधार है, पांच शील, जिसमें पांच शील में पहला जो शील है वो है पाणति पाता वेरमणि सिक्खा पदंग समाधियामि, यानी मैं किसी भी प्रकार के प्राणी मात्र की हिंसा से दूर रहने को अपने आप को संकल्पित करता हूँ। और हिंसा केवल बोलने से, केवल मारने से नहीं होती, हिंसा कई बार शब्दों से भी होती है, तो मैं हर प्रकार की हिंसा से अपने आप को दूर रखूँगा। बिल्कुल, ये संकल्प है। दूसरा संकल्प है अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खा पदंग समाधियामि, यानी मैं किसी भी प्रकार की चोरी, यानी किसी के बिना दिए किसी का कोई सामान भी ग्रहण नहीं करूँगा। तीसरा कामेशु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खा पदंग समाधियामि, यानी कि मैं पराई स्त्री या किसी भी प्रकार के व्यभिचार से अपने आप को दूर रहने का संकल्प करता हूँ। चौथा मूसावादा वेरमणि सिक्खा पदंग समाधियामि, यानी मैं किसी को झूठ बोलना या चुगली करना या ऐसे शब्द बोलना जिससे किसी को आघात पहुँचे, दुख पहुँचे, ऐसे किसी भी बोलने से अपने आप को दूर रखने का संकल्प लेता हूँ। पांचवा मैंने बोला सुरा मेर मज्ज पमाद ठाणा वेरमणि सिक्खा पदंग समाधियामि, यानी मैं कच्ची पक्की शराब किसी भी प्रकार का मादव पदार्थ से अपने आप को दूर रखने का संकल्प लेता हूँ। तो ये पंचशील एक आधार है और अगर दुनिया में लोग पंचशील पर चलेंगे तो दुनिया में निश्चित तौर पर शांति कायम होगी और जहाँ शांति होगी वहाँ विकास होगा। लेकिन मूल भाव है कि हिंसा ना हो, व्यभिचार ना हो, तो सब जगह इतना द्वेष, हिंसा, असामान्यता, एक दूसरे से काटने की नीति, ये कहाँ पैदा हुई? देखिए, इसको समझने के लिए पहले तो आपको ये जानना होगा कि अब से 4000 साल पहले एक दुनिया में कोई धर्म ही नहीं था और दुनिया में कोई जाति भी नहीं थी। लोगों ने आवश्यकता के हिसाब से धर्म बनाया। कभी रहा होगा कि जो बहुत ताकतवर लोग थे वो कमज़ोर लोगों का के जो पूंजी होती थी उसको छीन लेते थे। पूंजी उस वक्त तो पूंजी भेड़ बकरियाँ घोड़े आदि होते थे, तो जो ताकतवर होता था वो उसके उस संपत्ति को छीन लेता था।
तो एक समय ज़रूर समाज में ये चर्चा हुई होगी कि हमें कुछ ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जिसमें उस सिस्टम के हिसाब से लोग चलें और लोग उसका कहना माने, डर महसूस करें, किसी दूसरे को प्रताड़ित ना करें। तो इसकी खोज में कहीं ना कहीं धर्म की उत्पत्ति हुई। लेकिन आप देखेंगे कि जाति पूरे दुनिया में कहीं नहीं है, वो केवल भारत और भारत के सब कॉन्टिनेंट में है। रही बात इसकी कि धर्म तो लड़ने की बात नहीं करता, धर्म विद्वेष पैदा करने की बात नहीं करता। ये कुछ चालाक लोग जो अपने सत्ता को बरकरार रखने के लिए, कि उनकी सत्ता बनी रहे, लोग बटेंगे, लोग लड़ेंगे, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर बटेंगे तो उनकी सत्ता बरकरार रहेगी। तो वो लोग हैं जो बांट रहे हैं, धर्म नहीं बांट रहा। बिल्कुल ठीक है। धर्म का इस्तेमाल अक्सर आप कभी भी देखिएगा, जब जब समाज में एकता आती है, जब जब समाज एकजुट होकर सही गलत के फैसले करता है, तब तक वो लोग जो गलत तरीके से सत्य हाथ में आते हैं, वो अपनी सत्ता को बचाने के लिए, बरकरार रखने के लिए धर्म का इस्तेमाल करते हैं और धर्म को खतरे में डालते हैं। चुनाव से पहले धर्म खतरे में नहीं है, सब कुछ शांति से चलता है, लेकिन जैसे ही चुनाव नज़दीक आता है उसके तुरंत बाद आप देखेंगे कि हिंदू खतरे में है, मुसलमान खतरे में है। अभी मैं एक आज मेरे बेटे ने छोटे मेरा छोटा बेटा ग्रेजुएशन कर रहा है सेकेंड ईयर में, उसने मुझे छत्तीसगढ़ की एक वीडियो दिखाई जिसमें कोई व्यक्ति बोलता हुआ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन पब्लिक हज़ारों लोग खड़े दिख रहे हैं और हर सब ने ऐसे हाथ कर रखा है, वो उनको शपथ दिलवा रहा है कि मैं मुसलमानों से की दुकान से सामान नहीं खरीदूंगा, मैं उनको किराए पे कोई चीज़ नहीं दूंगा, जो दे रखे वो वापस लूंगा, उनको लीज नहीं दूंगा, उनका कोई सामान प्रयोग नहीं करूंगा, ना मैं उनको किसी तरह की मदद करूंगा। ये चीज़ चुनाव के टाइम पे दिख रही है, इससे पहले नहीं थी। चाहे वो हरिद्वार वाला भाषण हो, धर्म संसद हो, चाहे छत्तीसगढ़ की धर्म संसद हो, या दिल्ली में इस तरह हुआ हो, तो ये आपको केवल और केवल चुनाव से पहले मिलेगा। चुनाव के बाद शांति स्थापित हो जाती है, चुनाव के बाद वो धर्म तो धर्म है, वो अपना काम कर रहा है, वो तो रूटीन है उसका, वो चल रहा है। लेकिन धर्म का इस्तेमाल कुछ लोग केवल अपने फ़ायदे के लिए करते हैं, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि धर्म कहीं नफ़रत नहीं फैलाता, नफ़रत धर्म के ठेकेदार फैलाते हैं। लेकिन आपने जैसे पुराने इतिहास की बात की कि 4000 साल पहले तक धर्म नहीं था, इसको बनाया गया, एस्टैब्लिश किया गया, आज का जो पढ़ा लिखा युवक है, आज जो एक बार जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ लिया, उसकी मूल भावना को पढ़ लिया, जिसने हमारे इतिहास को जान लिया और इतिहास में हुई गड़बड़ों को समझ लिया, वो फिर क्यों धर्म के चक्कर में और जाति के चक्कर में लड़ रहा है, पढ़ा लिखा युवक? ये कैसे हुआ? देखिए, आप उसको पढ़ा लिखा मान रहे हैं जी, मैं उसको पढ़ा लिखा नहीं मान रहा हूँ। अच्छा, डिग्री ले लेने का मतलब पढ़ा लिखा होना नहीं होता। क्या वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर रहा है? क्या वो अच्छे बुरे के बारे में सोच रहा है? क्या वो सोच रहा है कि मेरे को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा? क्या कभी वो सोच रहा है कि महंगाई क्यों बढ़ रही है? क्या वो कभी सोच रहा है कि 4.5 साल तक शांति थी, अचानक ये धार्मिक उन्माद के भाषण क्यों आ रहे हैं? क्या वो सोच रहा है कि क्या मीडिया का रोल किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को प्रचार प्रसार करने के लिए, या मीडिया का रोल सत्ता पक्ष से सवाल पूछ के जनता को न्याय दिलवाने के लिए? बिल्कुल वो सोच नहीं रहा ना, तो फिर पढ़ा लिखा किस बात का? अगर एक अनपढ़ आदमी है जो कॉलेज नहीं गया, स्कूल नहीं गया, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन वो बुद्धि से अच्छे बुरे के बारे में सोच रहा है, कभी किसी का बुरा नहीं करता, उसके मन में सबके प्रति कल्याण की भावना है, वो हमेशा चीज़ों को अपने बुद्धि से सोचता है कि ये ठीक है या नहीं है, तब उसको मानता है, विवेक से सोचता है, मैं समझता हूँ वो पढ़ा लिखा है। बिल्कुल, शिक्षित होना और साक्षर होना, दोनों में बेसिकली ये डिफरेंस है। बहुत सारी चर्चा होगी आज आपसे, आइए विराज जी। कैसी लगी आपको हमारी जगह? वैसे तो जगह तो ये मुझे शुरू से प्रिय है। आप कभी आए पहले यहाँ पर? मैं पहले कुछ दिन पहले, अभी 11 दिन का एक श्रामनेर पवन जैन ध्यान साधना शिविर लगा था, तो हम लोगों ने यहाँ आकर, हम लोग 1000 के आसपास लोग थे। अच्छा। जिसमें 500 लोग भिक्षु बने हुए थे। अच्छा। और श्रामनेर बोलते हैं उसको, यहाँ विश्व शांति के लिए हमने प्रार्थना की थी। अच्छा। और इसीलिए की थी, जब हमने देखा है नफरत का माहौल बढ़ रहा है, तो हमने विश्व शांति के लिए प्रार्थना की थी कि भाई विश्व में लोगों को समझ आए, लोग बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करें, लोग नफरत फैलाने वालों से बचें, लोग सिर्फ ये देखें कि कौन आपके लिए अच्छा सोच रहा है, कौन आपके लिए बुरा सोच रहा है, और उसी से अपने फैसले लें। क्योंकि भारत कब बचेगा? पहली बात तो ये समझना पड़ेगा कि भारत विविधताओं का देश है। भारत में विभिन्न जाति और धर्म के लोग रहते हैं। भारत में हर 50 किलोमीटर पर भाषा बदल जाती है, संस्कृति बदल जाती है, और हजारों जातियाँ हैं और वो केवल भारत में हैं, दुनिया के किसी देश में जाति नहीं है।
केवल भारत में या भारत से जो सब कॉन्टिनेंट जो में जो बस गए लोग जाकर वहाँ जाति आपको मिलेगी। तो कुदरत ने जाति नहीं बनाई है। बिल्कुल, आप बीमार होते हैं, आपको इलाज की ज़रूरत है, डॉक्टर कहता है ऑपरेशन होगा, आपको ब्लड डोनेट करवाइए किसी से, आपको ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी ऑपरेशन में, तब आप ये नहीं कहते मुझे किस जाति का ब्लड चाहिए, किस धर्म का चाहिए, तब तो आप कहते हैं मुझे ब्लड चाहिए। इसका मतलब ये हुआ ना कि कुदरत ने तो सबको इंसान पैदा किया है, ये हम लोग हैं जिन्होंने समाज को जाति और धर्म में बांट दिया। बिल्कुल ठीक बात। आप आम आदमी पार्टी में आने से पहले, विधायक बनने से पहले वकील थे जी, और जाने माने वकील थे, मैंने आपकी सीट देखी है, आपके साथ मैंने काम किया, वकालत में आपका इंटरेस्ट कैसे पैदा हुआ? एक्चुअली जब मैंने 10th पास किया तो तभी हमने कॉलोनी में कुछ युवा लड़कों ने मिलके डॉक्टर अम्बेडकर जागृति संघ एक सामाजिक संगठन बनाया। अच्छा। उसके माध्यम से वहाँ हमने स्कूल के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया फ्री। अच्छा। तो वहाँ रहने वाले करीब 22 परिवारों ने अपने घर में से एक एक कमरा हमें फ्री में दिया। अच्छा। तो वह पहली क्लास से 10वीं क्लास तक के बच्चों को फ्री हम ट्यूशन पढ़ाते थे। अरे। और 4 पीरियड डेली लगते थे जिसमें लड़के लड़कियाँ दोनों ही आती थी, और धीरे धीरे क्या हुआ, आसपास के सारे स्कूलों में हमारे बच्चे टॉप करने लगे। अरे वाह। तो समाज सेवा के क्षेत्र में वहीं से धीरे धीरे हम बढ़ते चले गए, और फिर जहाँ भी कोई जुल्म हुआ तो उसके खिलाफ़ आंदोलन करना, धरने प्रदर्शन करना, मुक्ति में जुड़े कॉलेज टाइम पे मुक्ति से जुड़ के छात्रों को न्याय दिलाना, फिर समता सैनिक दल में जुड़े 1987 में जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने समता सैनिक दल बनाया था, फिर जहाँ भी देश में किसी को जातिगत उत्पीड़न हुआ, जान से मार दिया, कई परिवारों को घर जला दिए, बहनों की इज्जत लूट ली, तो उस पर धरना प्रदर्शन करके पीड़ित परिवारों से मिलना, उनको न्याय दिलवाना, तो इस सब ये जो जर्नी थी, इसी जर्नी में ये महसूस हुआ कि मैं अगर मैं नौकरी में जाता हूँ तो मैं फिर स्वतंत्र नहीं रहूँगा, बहुत सारी बाधाएँ होंगी, कि फिर वो सोशल वर्क जिस तरह हम लोग जिस लगन से कर रहे थे कि मुझे लगा कि उसमें बाधा बनेगी, तो मैंने निर्णय लिया कि मैं समाज सेवा के क्षेत्र में रहूँगा और ऐसा इंडिपेंडेंट पेशा चुनूँगा जिसमें कि मेरे को पूरी आज़ादी हो, कोई इंटरफेरेंस कहीं से ना हो, कोई दबाव ना हो, इसलिए मैंने वकालत के पेशे को चुना। माना जाता है कि दिल्ली जैसे शहर में, एक प्रोग्रेसिव शहर में विभाजन नहीं है जातिगत, राजनीतिक या दलगत राजनीति जब होती है चुनावों के समय पे वो होती है, लेकिन जातिगत विभाजन उतना नहीं है। आपकी ज़िंदगी जब आप दिल्ली में पले बढ़े, आपका बचपन कैसा था? ये कहना बिल्कुल गलत है कि दिल्ली में जाति के रूप में विभाजन नहीं है। अच्छा। दिल्ली में भी ऐसे कई मंदिर थे जहाँ अनुसूचित जाति के लोगों को घुसने नहीं दिया जाता था। अच्छा। आज भी हैं? अब शायद ना हो, लेकिन जब हम छोटे थे तब ऐसे मंदिर हमने खुद देखे हैं। मेरी बड़ी सिस्टर की शादी 1979 में हुई, 19 अप्रैल को। वहाँ बारात के ऊपर कुछ दबंगों ने सिर्फ इसलिए हमला कर दिया कि बारात नाचते हुए इतना म्यूजिक सिस्टम के साथ कैसे निकल रही है, उनको रोकने का प्रयास हुआ, रोका तो झगड़ा हुआ बारात के साथ, उसके बाद बारात पे हमला हुआ। अच्छा। और उसके बाद CRPF की जवान करीब 2 महीने तक हमारे घर पे रहे। अरे बाप रे। और सारे अखबारों में छपा, केस चला, 3.5-4 साल तक केस चला, उसके बाद सारे जाति के जो पंच थे वो सब बैठे और उसमें एक सामाजिक समझौता हुआ। तो मैं तो उस वक्त 7th क्लास में पढ़ता, तो मेरे ऊपर उस घटना का असर भी हुआ। मैं 6th क्लास में था, 7th में जाने वाला था। तो मैंने अपनी आंखों से उस वक्त देखा कि किस तरह दबंग लोग केवल जाति की वजह से ये बारात इतने बढ़ चढ़ के क्यों निकली, इसी बात पर हमला हो गया। और उसके बाद फिर मैं स्कूल में अपने साथ देखा कि स्कूल के अंदर हम लोग कुश्ती वगैरह लड़ा करते थे, इनामी कुश्ती लड़ते थे, तो हम जैसे अखाड़े के बाहर कुश्ती हो गई, हमने कुश्ती में दूसरे को हरा दिया तो वो फिर मेरे को नीचा कर देते। तो मतलब वो जो जातिगत भाव है वो घर से मिलता है, माँ बाप से मिलता है, परिवार में है, आसपास के सराउंडिंग में है, तो वो जब तक लोगों के दिमाग से नहीं जाएगा, वो शहर हो या गांव हो उसके स्वरूप बदल सकते हैं, लेकिन
जातिगत भेदभाव तो भारत में हर जगह है। जैसे अगर आज की बात करूं तो आज आप सरकारी विभागों में देख सकते हो कि जिसका प्रमोशन हो रहा है, अगर कोई एससी कोटे का, एसटी कोटे का, कोई ओबीसी का कोई प्रमोशन का टाइम आ रहा है तो अक्सर कोई फर्जी सी कंप्लेंट लगवा देंगे और उसको विजिलेंस में भिजवा के उसका प्रमोशन रुक जाएगा, दूसरे का हो जाएगा। आज आपको आज किसी भी सरकार के विभाग में देख लो, ये तो जो नीचे डे टू डे जो नीचे के कर्मचारी और अधिकारी भुगत रहे हैं ना, ये सामाजिक समस्या है। तो ये सामाजिक समस्या, ये सोच में कमी है, और सोच माँ बाप से मिल रही है, पड़ोस में मिल रही है, मोहल्ले में मिल रही है, समाज में चारों तरफ व्याप्त है। और वो फिर जो जो माँ बाप अपने माँ बाप से सीखा वो अपने बच्चों को सिखा रहे हैं। कई दफ़े आपने देखा होगा, जैसे आप के कुछ मित्र होंगे, क्लास में जब बच्चा पढ़ रहा है वहाँ तो नहीं देख रहा क्या जाती है, जाती तो कोई उसे बता रहा है। जैसे अभी चंपावत की घटना हुई तो जिन बच्चों ने उस दलित भोजन माता के बने हुए हाथ के खाने को खाने से इनकार कर दिया, उन्हें क्या पता ये दलित भोजन माता दलित क्या होता है और उसके हाथ से खाना क्यों नहीं खाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो उनके पेरेंट्स ने ही तो बताया होगा कि भाई ये दलित है जो खाना बना रही है और हम ब्राह्मण क्षत्रिय में आते हैं तो हमें उसके हाथ का खाना नहीं खाना है। ये बात तो उनको उनके माँ बाप ने बताई होगी ना, वरना बच्चों को क्या पता, बच्चे क्यों मना करते। पहले दिन बच्चों ने खा लिया, दूसरे दिन जब पता लगा कुछ और कम बच्चों ने खाया, तीसरे दिन उनके माँ बाप ने सबको कह दिया कोई मत खाना, किसी ने नहीं खाया। तो ये कोई बताता है, बच्चे को पैदा होने पर थोड़ी ना पता जाति क्या है, धर्म क्या है। जाति धर्म के बारे में तो माँ बाप बताते हैं, रिश्तेदार बताते हैं, पड़ोसी बताते हैं, दोस्त बताते हैं, वो माहौल है जो चारों तरफ व्याप्त है, जो ये सब बार बार हमें एहसास कराता है। और छोटे से बच्चे के मनस में हम ये बीज बो रहे हैं ताकि वो जीवन भर एक कुंठित सोच का व्यक्ति बन के अपना जीवन। अगर आप जापान से तुलना करेंगे, अगर आप जर्मनी से तुलना करेंगे, फ्रांस से, अमेरिका से, इंग्लैंड से, चाइना से तुलना करेंगे, तो वहाँ उनके पेरेंट्स या पड़ोसी उसको जन्म से ये नहीं सिखा रहे तू इस जात का है, तू इस धर्म का, तू देश के साथ ये नहीं करना, उसके साथ ये नहीं करना। इसलिए वो देश तरक्की के मामले में कहीं आगे निकल गए, जो कभी हमसे भी पीछे थे वो हमसे भी आगे निकल गए। हमारे यहाँ दिक्कत ये है कि हम पैदा होने से लेकर उसको जाति बताना शुरू करते हैं, धर्म बताना शुरू करते हैं, किसके साथ बैठना है, किसके साथ नहीं बैठना है, किसका खाना खाना है, किसका नहीं खाना है, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, ये हम उसको बचपन से सिखा रहे हैं। इसी वजह से कहीं ना कहीं भारत, जैसे मैंने पहले कहा, भारत विविधताओं का देश है, जहाँ विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म के लोग हैं, संस्कृति विभिन्न प्रकार की है, तो उसमें सबको एकजुट रख के एक साथ कैसे आगे बढ़ा जाए। एज ए भारतीय हम ये क्यों ना सिखाएं, हम पहले भी भारतीय हैं, अंत में भी भारतीय हैं। हम ये क्यों सिखाते हैं, मैं पहले हिंदू हूँ फिर मैं भारतीय हूँ, मैं पहले मुसलमान हूँ फिर भारतीय हूँ, या मैं पहले भारतीय हूँ फिर मैं हिंदू या मुसलमान या सिख ईसाई हूँ। हम ये क्यों नहीं सिखाते, हम पहले भी भारतीय हैं और अंत में भी भारतीय हैं। हमें भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए। जब तक हम ये नहीं सिखाएंगे, और इसी चीज़ को पूरे विश्वविद्यालयों के माध्यम से, स्कूलों के माध्यम से, परिवार में माँ बाप की टीचिंग के माध्यम से, जब तक हम इसे एक इंसान के तौर पर डेवलप नहीं करेंगे, जब तक हम उसे एक जाति या धर्म के विशेष के तौर पर डेवलप करेंगे, तब तक ये भेद बना रहेगा, तब तक भारत में ये कमजोरी बनी रहेगी। असल ये तो एक समाज सुधारक के तौर पर, एक विचारक के तौर पर आपने अपने विचार रखे। अब एक प्रश्न मेरा आपसे राजनेता की तरह है, अब आप राजनीति में हैं, राजनीति में गणित होती है, किस जाति के कितने वोट हैं, कौन किसकी तरफ झुकता है, और कुछ पार्टियां ऐसी भी हैं जो उसके हिसाब से अपना डिस्कोर्स तय करती हैं, कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो डिस्कोर्स तय करते हुए प्रोग्रेसिव एजेंडे के ऊपर बात करती हैं, डेवलपमेंट एजेंडा की बात करती है, शिक्षा स्वास्थ्य की बात करती है। दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी की राजनीति को लोगों ने पसंद कर लिया, एक बार 67 सीट आई, एक बार 62 सीट आई। आपको लगता है कि देश की राजनीति का रुझान अब प्रोग्रेसिव एजेंडा पर, देश का युवा अब प्रोग्रेशन को, डेवलपमेंट को चुनने लगा है? अभी तो नहीं चुन रहा है, नहीं चुन रहा है, लेकिन चुनेगा, क्योंकि उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अभी तो देखने में आ रहा है कि अगर रोजगार नहीं मिल रहे, रोजगार जा रहे हैं, तो रोजगार की बात नहीं हो रही है, गरीबी बढ़ रही है उसकी बात नहीं हो रही है, बेरोजगारी के साथ साथ कुपोषण बढ़ रहा है उसकी बात नहीं हो रही है, नशा लगातार भारत में बढ़ रहा है उसकी बात नहीं हो रही है, लेकिन जातिगत उन्माद की, धार्मिक उन्माद की बात हो रही है। कट्टरपन कंटिन्यूसली पिछले लगभग 10 सालों में कट्टरपन बढ़ रहा है, और युवा रोजगार की डिमांड करने की बजाय जो धर्म के नाम पे, जो राजनीतिक पार्टियाँ सो कॉल्ड धर्म गुरुओं का इस्तेमाल करके
जो एक द्वेष भावना समाज के बीच में पैदा कर रही है धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर। अभी तो युवा उसमें बह रहा है, युवा अपने बुद्धि विवेक से कम सोच रहा है, उसको जो कुछ कट्टरपंथ पार्टियां या जो धर्म के ठेकेदार हैं जो उसको दिखाना चाह रहे हैं वो युवा वो देख रहा है, जो वो उसके मुंह से बुलवाना चाह रहे हैं वो बोल रहा है, जो उसको पढ़ाना चाह रहे हैं वो पढ़ रहा है। और इसमें बहुत बड़ा रोल हमारे देश के मीडिया का है, क्योंकि मीडिया बेसिकली वो मीडिया नहीं रहा जो सत्ता पक्ष से सवाल करे और जनता के हित में उनसे पॉलिसीज़ को इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन करवाए, मीडिया वो नहीं रहा। बल्कि कुछ राजनीतिक पार्टियों ने इस बात को समझ लिया कि मीडिया बहुत कुछ तय करता, तो उन्होंने मीडिया को ही खरीद लिया, बड़े चैनल सारे खरीद लिए और उनके चैनल्स को खरीद के जो वहाँ पत्रकार हैं उनको ये नौकरी का डर दिखा के कि अगर तुम हमारे हिसाब से रिपोर्टिंग नहीं करोगे तो कल को तुम्हारी नौकरी ख़त्म, उनको भी अपने एजेंडे पे ले आए वो पत्रकारों को भी। और उससे पूरे देश का जो यूथ है वो सोशल मीडिया पे देख रहा है या टीवी पे देख रहा है। अब उस पे जिस तरह की वीडियो ज़्यादा मात्रा में आ रही हैं वो उसी के बरगलावे में धर्म के उसमें इतना अंधा हो जा रहा है कि वो ये भी भूल जाता है कि तेरे पास रोज़गार नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, वो भी धर्म का झंडा उठाने को तैयार है। और जिस तरह की वो वीडियो देखते रहेगा उसी तरह के अगर उसको बढ़ावा मिलेगा तो बढ़ेगा, लेकिन एक चीज़ की सीमा होती है, अति हर चीज़ की बुरी होती है, ये अति की तरफ बढ़ गया है और इतना ज़्यादा हो गया कि इसमें देश बचाना तो मुश्किल है ही, अपने खुद को बचाना मुश्किल हो जाएगा। तो बदलाव कैसे आएगा? इसीलिए जो दिल्ली से एक अलग तरह की जो राजनीति, काम की राजनीति की शुरुआत हुई है उसका असर धीरे धीरे यूथ पर बढ़ रहा है, उसकी भी वीडियो जारी है। फ़र्क सिर्फ इतना उसको मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं चला रहा, उसको कुछ यूथ जो बुद्धिवादी चिंतक हैं, जो बुद्धि और विवेक से सोचते हैं, जिनको लगता है कि यार इससे देश खाई में चला जाएगा, नफरत ज़्यादा बढ़ेगी तो देश ख़त्म हो जाएगा, समाज इतना बढ़ जाएगा तो एकजुट रखना मुश्किल होगा भारत को, आम आदमी पार्टी उसके जवाब में एक वैकल्पिक राजनीति की शुरुआत कर चुकी है, देश को बदलने की शुरुआत, एक नए तरह का सपना, देश को बदलने का सपना जो आम आदमी पार्टी ने देखा वो अपने आप में मतलब आश्चर्यचकित करता है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि एक तरफ नफरत का दौर बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ साथ के साथ ही चल रहा है कि एक पॉजिटिव साइन भी नज़र आ रहा है कि किस तरह काम की शुरुआत करके काम की राजनीति के माध्यम से धर्म की राजनीति की दुकान बंद की जा सकती है। ये दिल्ली ने कर दिखाया, चूँकि दिल्ली में भी उसी तरह की नफरत फैलाई गई, दिल्ली में भी सारा मीडिया बल, बाहुबल, मनी बल लगाया गया, सारे मंत्री, मुख्यमंत्री, सारे सांसद लगाए गए और उसी तरह का धार्मिक उन्माद पैदा करने की कोशिश की, लेकिन दिल्ली की जनता ने उसके बहकावे में आने की बजाय काम की राजनीति को तवज्जो दी। और धीरे धीरे अन्य राज्यों में भी जहां नफरत काफ़ी बढ़ गई थी वहीं पर उसके साथ साथ जहां नेगेटिव फोर्स काम कर रही हैं वहीं पर पॉजिटिव फोर्स भी काम कर रही हैं, और पॉजिटिव फोर्स धीरे धीरे लीड लेना शुरू हुई है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है, अच्छी चीज़ें तेज़ गति से चलेंगी। निश्चित तौर पर अभी पिछले कुछ सालों में बुरी चीज़ें चली हैं लेकिन अब अच्छी चीज़ें चलेंगी, मुझे ऐसा विश्वास है। आपने राजनीति को कैसे चुना? मैंने राजनीति को एक्चुअली मेरे एक मित्र थे मिस्टर मिश्रा, एडवोकेट, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप राजनीति में क्यों नहीं आते, आप तो 1983 से सोशल वर्क के क्षेत्र में हो, वो मुझे पहले से जानते हैं, कॉलेज में साथ पढ़ते थे, फिर वकालत में साथ थे, जूनियर थे मेरे से एक दो साल। उन्होंने कहा कि आप राजनीति में क्यों नहीं आते, आप इतने सालों से मैं आपको सोशल वर्क करते देख रहा हूँ। तो मैंने कहा राजनीति में आके करेंगे क्या, यहाँ तो भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है, यहाँ तो लोगों के बीच में जहर घोलने का काम होता है, नफरत पैदा की जाती है। तो उन्होंने कहा यार आप अच्छाई को चुनोगे नहीं तो फिर तो बुरे ही लोग आएंगे ना। तो फिर मैंने कहा यार मैं एक बार को आम आदमी पार्टी के बारे में सोच सकता हूँ, चूँकि वो आंदोलन से निकली है और उसमें एक राजनीति को बदलने का एक संकल्प है, तो मैं उधर एक बार को सोच सकता हूँ। उन्होंने कहा तो ठीक है, तुम हम बीच में मिलेंगे आपसे। तो अचानक एक दिन मैं अपनी वाइफ के साथ मंगल बाज़ार साप्ताहिक बाज़ार जाता हूँ, सब्ज़ी ले आता हूँ सारी घर की, हफ्ते भर की, तो मैं और मेरी वाइफ गए हुए थे, मुझे फ़ोन आया मिश्रा जी का कि आपसे ज़रूरी बात करनी, तुरंत आ जाओ। मैंने कहा यार मैं तो ऐसे ऐसे बाज़ार आया, आधा घंटा लग जाएगा। खैर कोई बात नहीं, आप आ जाओ। मैं घर पर सामान रखा और मैं गया, मेरी बातचीत हुई उन लोगों से, तो उसमें हमारे जो उस वक्त विधानसभा को देख रहे थे वो लोग थे, तो उन्होंने कहा यार आपका ठीक लग रहा है, आप अपना बायोडाटा दे दो। मैंने अपना बायोडाटा दे दिया अगले दिन हाथ से बना के 1.5 पेज का। तो उसके बाद
एक दो बार पार्टी ऑफिस पे बुलाया, दो दो मुझे कहा कि मीटिंग करके दिखा दोगे। फिर उन्होंने एक दो बार पार्टी ऑफिस पे बुलाया, बातचीत की। तो ये जो घटना थी जिस दिन वो मुझे उन्होंने बुलाया जब मैं मंगल बाज़ार गया हुआ था, ये घटना 25 नवंबर 2014 की थी और 25 दिसंबर 2014 को एक महीने बाद मेरा टिकट हो गया। यहाँ से मेरी राजनीति की शुरुआत है। अच्छा, तो परिवार तैयार हो गया चुनाव लड़ने देने के लिए? परिवार ने ये कहा कि भाई तुम इतने साल से सोशल वर्क में हो, देख लो तुम ही राजनीति की इतनी बुराई करते हो और तुम ही जा रहे हो। तो मैंने कहा कि मैं कुछ अच्छा सोच के जा रहा हूँ, पर ये विश्वास दिलाता हूँ मैं वहाँ जाके भी बुरा आदमी नहीं बनूंगा। मैं अच्छा काम जो मैं सोशल वर्क के क्षेत्र में या वकालत के क्षेत्र में कर रहा हूँ, 25% केस फ्री लड़ता हूँ, तो मैं वो अच्छा काम ही करूँगा, ये भरोसा दिला सकता हूँ। संतुष्ट है परिवार सब आपके इस डिसीजन? परिवार खुश है कि मैं अभी भी ऐसा ही हूँ, अभी भी सोशल वर्क जारी है, अभी भी सबसे मिलता हूँ, सबके काम करता हूँ और पूरी ईमानदारी से करने की कोशिश करता हूँ। अभी भी बच्चों में कोई VIP कल्चर पनपने नहीं दिए, बच्चों के अंदर पढ़ाई का महत्व और समाज का महत्व समझ आया, मेरे बच्चों में नफरत वाला माहौल नहीं बढ़ा, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि मैं जो बोल रहा था वो उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और अब तो मंत्री बने भी 5 साल होने को हैं, लेकिन अभी भी ये मंत्री पद की कुर्सी मेरे ऊपर हावी नहीं हुई है, राजनीति मेरे ऊपर हावी नहीं हुई है, बल्कि सोशल वर्क यहाँ आम आदमी पार्टी के माध्यम से बाकी पार्टियों पे हावी होता दिख रहा है। वहाँ भी अब बिजली फ्री की बात चल रही है, सस्ती बिजली की बात चल रही है, वहाँ भी धर्म की बजाय काम की राजनीति की बात चल रही है, वहाँ भी रोजगार देने की बात चल रही है, जब तक ना मिले तब तक गुजारा भत्ता देने की बात चल रही है। कम से कम बात तो चल रही है, तो कम से कम शुरुआत तो हुई, बड़ी बात है। तो जब आप वकील थे, अब तो प्रैक्टिस नहीं हो पाती क्योंकि अब मंत्री हैं आप, जब आप वकालत में थे तब कुछ 25% जैसे आपने कहा कि केसेस फ्री लड़ा करते थे, तो आपके पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते होंगे एट्रोसिटीज़ के, या जहां पर सामाजिक विद्वेष ने परिवार ख़राब कर दिए, तो ऐसे मसलों को आप लड़ा करते थे कोर्ट में भी? शुरू से ही लड़ता आया हूँ, शुरू से सामाजिक केसेस शुरू से लड़े हैं और 25% फ्री लड़े, बाकी भी नॉमिनल फीस पे लड़े। हमेशा मददगार रहा हूँ, गलत काम किया नहीं है और बहुत सादगी के तरीके से प्रैक्टिस की, ईमानदारी से प्रैक्टिस की, और मुझे अपने वकालत के पैसे से भी बेहद संतुष्ट हूँ कि जिनके लिए कोई खड़ा नहीं हो रहा उनके लिए मैं खड़ा हुआ और उनको मैंने जीत दिलाई, न्याय दिलाया उनको। ऐसे केसेस में भी न्याय दिलाया जिसमें मुलजिम को ये पता ही नहीं है कि उसको किस लिए अंदर है। अच्छा, वो मर्डर केस में जेल में पड़ा है और उसको पता ही नहीं मर्डर केस का हुआ, किसने किया। अच्छा, ऐसा भी होता है? ऐसा भी होता है। दहेज हत्या के केसेस हुए, झगड़ा कुछ और है, सुसाइड किसी और वजह से हुआ, पूरे परिवार पे दहेज हत्या का केस बनवा दिया। सच सामने लाना है, सच सामने लाया, उनको बचाया। मैं डिफेंस लॉयर रहा हूँ, लेकिन फाइल पढ़ते ही मैं बता देता था इसमें सजा होगी या बचेगा या केस सच लगता है झूठा लगता है। अच्छी बात ये रही मैंने झूठे केस लड़े ही नहीं, केस ही मुझे मेरे पास वो आए जिसमें जेन्युइनली किसी को गलत फंसाया हुआ वो आए और वो मैंने बरी कराया। क्योंकि आप एक वकील रहे हैं, हमारे इस ढांचे के 4 पहलू रहे हैं जिसमें जुडिशरी एक है, एग्जीक्यूटिव एक है और मीडिया एक कहा जाता है, और जो चुन के हमारी लेजिस्लेचर बनती है वो एक कहा जाता है। एज अ वकील आपको कितनी उम्मीद है कि जो जुडिशरी का ढांचा है उसमें जो सब रिफॉर्म्स कई सालों से पेंडिंग हैं, कई हज़ार कई लाख केसेस पेंडिंग हैं, जो कुछ रिफॉर्म्स उसमें लाने की ज़रूरत है वो लाना संभव है और वो बदलाव आएगा? आम आदमी को न्याय मिलना आसान नहीं है। आज सर्वोच्च न्यायालय में जो वकील प्रैक्टिस करते हैं, हाई कोर्ट में जो वकील प्रैक्टिस करते हैं, तो जो सीनियर वकील हैं या जिनकी अच्छी प्रैक्टिस है वो तो पर हियरिंग चार्ज कर रहे हैं कई लाखों रुपए में, तो अगर निचले स्तर पे भी होगा तो उनके भी हजारों रुपए में। जो आम व्यक्ति देश में 90% लोग तो ऐसे हैं जो 20,000 से भी कम रुपए महीना कमा रहे हैं। तो जो भारत के डेजिग्नेटेड सीनियर एडवोकेट्स हैं या दूसरे जो एडवोकेट्स हैं, उन जो सीनियर लेवल पर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में कर रहे हैं, उन पर भी ये कंपल्सन होना चाहिए ना
कि आपको 25% केस यहाँ के लड़ने पड़ेंगे, उसमें आपको यहाँ की वाली फ़ीस मिलेगी, तब एक बार को कुछ उम्मीद बनेगी कि सबको करना ही है। अभी तो यह कि जो जिनके पास केस है वो तो वहाँ डालसा नालसा में नहीं कर रहे ना काम, लीगल एड के उस पर पैनल पे तो है ही नहीं वो। सही बात, वहाँ जो पैनल पे हैं उनके पास काम भी उतना नहीं रहा, इसीलिए वो यहाँ आए शायद। उनके पास वो क्वालिटी नहीं है, वो लर्निंग नहीं है, थोड़े बहुत लोग उनमें अच्छे हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर की शिकायत यह है कि वो लोगों को वहाँ न्याय तो दिला नहीं पाते, टाइम से पहुँचते ही नहीं, टाइम से उनकी उनका उनकी बात मजबूती से रखी नहीं जाती, या कई बार ऐसी भी शिकायतें आती है कि उनसे पैसे की डिमांड की जा रही है। तो वो जो जो न्याय चाहिए जिन लोगों की हम बात कर रहे हैं उन तक तो न्याय पहुँच ही नहीं रहा है। ऐसे बहुत लोग हैं जो जेलों में पड़े हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है, चूँकि जमानती कोई है नहीं, सजा उसके इसमें 3 साल की है, होगी उनको वहाँ 5 साल। आपने समता सैनिक दल का नाम लिया, आप उसके सैनिक रहे हैं, बहुत छोटी उम्र से आपने समता सैनिक दल को चूज़ किया, और दिल्ली सरकार ने भी समता सैनिक दल को बाबा साहब अम्बेडकर अवार्ड भी दिया है, मुझे साल याद नहीं है, साल 2001 में। कैसे आपका जुड़ना हुआ और क्या क्या गतिविधियां करी आपने? 1987 में जब कॉलेज लेवल पे मैं मुक्ति में काम करता था, तो तभी समता सैनिक दल के कुछ लोगों से मिलना हुआ। वो एक ड्रेस पहनते हैं, वाइट पैंट, वाइट शर्ट, नीली कैप, लाल बेल्ट, पूरा एक कैडर, एक मिलिट्री के, एक आर्मी की फोर्स की तरह लगता है, डिसिप्लिन भी है, शर्त भी है वहाँ बीड़ी सिगरेट सरा बियर बिस्की पान तमाकू टच नहीं करेगा, तो एक कैरेक्टर डेवलप किया जा रहा है, तो चरित्र निर्माण हो रहा है। तो मैं उससे जुड़ा उस वक्त, सुबह शाखा लगती थी उसकी, संघायन बोलते थे उसको, समता सैनिक दल की, वहाँ एक्सरसाइज करनी है औरों को करवानी है, फिर धम्म पे चर्चा होती थी, फिर नशा कैसे नुकसान करता है उस पर चर्चा होती थी, वहाँ से सुबह करके निकल रहे हैं और फिर अपने स्कूल कॉलेज वो सब चल रहा है, तो वहाँ से शुरुआत की। फिर जहाँ भी कहीं जुल्म हो रहा है उनकी आवाज़ उठाना, उनसे पीड़ित परिवारों से मिलना, DM के यहाँ जाके बात करना, धरने प्रदर्शन करके उनकी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाना, प्रशासन तक उनको न्याय दिलवाना, ये सब पूरी लाइफ चलता रहा। उसी काम की वजह से 2001 में दिल्ली सरकार का डॉक्टर अम्बेडकर रत्न अवार्ड समता सैनिक दल को मिला, और 2018 में केंद्र सरकार से राष्ट्रपति जी से भी समता सैनिक दल को नेशनल अवार्ड भी 10 लाख रुपए का मिला। क्या बात, तो मुझे खुशी है कि मैं उस संगठन से जुड़ के पूरे देश में गया, और मैं उसका छोटा सा सिपाही भर्ती हुआ, लास्ट में 8 साल नेशनल चीफ जनरल सेक्रेटरी रहा, और उस संगठन को इतने अच्छे अवार्ड मिले और लोग उसको इतना प्यार करते हैं, और खुशी इसलिए भी ज़्यादा है कि वो खुद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बनाया। बिल्कुल, तो बाबा साहब ने तब ये बीज बोया था। मुझे एक प्रश्न दिमाग में आता है आपसे चर्चा करते हुए कि कैसे RSS अपनी जड़ें, 70 से ज़्यादा संगठन उनके नाम से है जो उन्हीं का मुखौटा भले कुछ भी पहना हो लेकिन उन्हीं की आइडियोलॉजी को प्रमोट करती है अलग अलग तरीके से। समता सैनिक दल नाम से ही मालूम पड़ता है कि समता को प्रचार करती है, आपने बोला धम्म का वो जिक्र करती है, और उनका मेन उद्देश्य है समाज में युवाओं को चरित्र डेवलप करना। लाइन में उसका उद्देश्य है मुख्य रूप से समता, मैत्री व भाईचारे पर आधारित न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करना। कितनी प्यारी बात है। और नशे से मुक्त रहना, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट के साथ है। तो इसका प्रचार उस तरीके से क्यों नहीं हुआ जैसे RSS का प्रचार हो गया? इसलिए नहीं हुआ कि इसका पोलिटिसाइजेशन नहीं हुआ, RSS का पोलिटिकली इस्तेमाल हुआ, या ये कहिए RSS एक पॉलिटिकल विंग है जो दिखने में तो एक सामाजिक संगठन है लेकिन वो राजनीति को वही चला रही है, उसी ने राजनीतिक और धार्मिक और दूसरी संस्थाएं बना दी, उन संस्थाओं का इस्तेमाल अपने तरीके से वो अपने एजेंडे पे काम करने के लिए उसको कहीं ना कहीं इसमें आप फंडिंग का भी जिक्र कर रहे हैं क्योंकि फंडिंग भी बहुत बड़ा रोल। उनके पास तो पैसे की कोई कमी नहीं है, उनके पास मीडिया पूरा उनके लिए काम करता है। तो समता सैनिक दल का इसलिए प्रचार नहीं हुआ, वो किसी राजनीति से नहीं जुड़ा। नंबर दो, उसके पास जो लोग उसको फॉलो करते हैं उनके पास पैसा नहीं है, मीडिया उसको कवरेज भी नहीं देता, उनको मीडिया भी कवरेज देता है, उनको पैसे देने वाले धन्ना सेठ बहुत हैं, ये गरीबों का संगठन है, वो पैसे वाले लोगों का संगठन है। मुझे यकीन है कि पहली बार इस इंटरव्यू के दौरान हमारी इस चर्चा में कई हज़ार लोगों को तो पहली बार पता चलेगा कि ऐसा कोई संगठन भी है। जी बिल्कुल, फॉर्चुनेटली नागपुर में ही RSS की स्थापना हुई और नागपुर में ही समता सैनिक दल की स्थापना हुई, और दोनों का समय एक ही साथ का है। अच्छा, और बाबा साहब ने उस समय उसकी ज़रूरत को भान लिया था। एक्चुअली बाबा साहब ने 1923-24 में 22वीं हितकांडी सभा बनाई और समाज को जागरूक करने के लिए जब सभाएं शुरू की तो वहाँ पे कट्टरपंथी लोग आके
पत्थर फेंकना, सभाओं को डिस्टर्ब करना शुरू किया उन्होंने कि भी ये अछूत लोग इकट्ठे क्यों हो रहे हैं, अच्छा ये अपने लोगों को जागरूक क्यों कर रहे हैं, ये इकट्ठे ना हो, ये ज्ञान पे चर्चा ना करें, आपस में एकजुट ना हो, उनको डिस्टर्ब करना शुरू किया। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को ये एहसास हुआ कि इस तरह तो हमारी ये सभाएँ शांतिपूर्ण तरीके से हम अपने समाज की सभा कर उसको भी नहीं होने देंगे। तो उन्होंने युवाओं की एक फौज टाइप, उस वक्त आज़ादी से पहले दो ही फौज बनी है, एक आज़ाद हिंद फौज बनी है, दूसरा समता सैनिक दल बना, पूरी तरह कैडराइज एकदम जैसे एक सैनिक होता उसी तरीके से। तो जहाँ भी फिर बहिष्कृत हितकारिणी सभा की मीटिंग होती थी उसके चारों तरफ समता सैनिक दल के जवान खड़े हो जाते थे लाठी लेकर, ताकि उसको डिस्टर्ब ना करे कोई। तो ये उस जरूरत के हिसाब से उस वक्त समता सैनिक दल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बनाया था। लेकिन उसके बाद वो समाज के क्षेत्र में काफ़ी उसने काम किया, धर्म के क्षेत्र में, बुद्धिज्म के क्षेत्र में काफ़ी काम किया, बच्चों को पढ़ाने के क्षेत्र में, लोगों के साथ जहाँ भी जुर्म हुआ समता सैनिक दल पहुँचा, प्रशासन के सामने उनकी आवाज़ उठाई, धरने प्रदर्शन किए, उनको न्याय दिलवाने का काम किया। अब दोनों सामाजिक संगठन हैं, लेकिन मेरा प्रश्न राजनीतिक है कि आपने कहा कि फंडिंग का बहुत बड़ा रोल है, आपने कहा कि मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, आपने कहा कि राजनीतिक संरक्षण रहा है आरएसएस को फैलने के लिए, लेकिन आप राजनीतिक तौर पर इस प्रश्न का जवाब दें कि आप भी संगठन करना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि लोग एकजुट हों, आरएसएस भी चाहती है लोग एकजुट हों, वो बात करती है कि हम हिंदुओं को एकजुट कर रहे हैं ताकि वो हिंदूवादी पार्टी को वोट दें, हिंदू राष्ट्र की बात करने की बात कर रहे हैं, आप भी संगठन इकट्ठा कर रहे हैं, आप भी लोगों को एकजुट करना चाहते हैं कि बहुजन समाज इकट्ठा हो, हकों की बात करें, दोनों में फ़र्क क्या है? एक फ़र्क है, एक एक्सप्लोइटर है और एक एक्सप्लोइटेड है। एक्सप्लोइटेड किसी को एक्सप्लोइट नहीं कर रहा, वो इसलिए इकट्ठा हो रहा है कि कम से कम हमें इंसानियत का दर्जा तो मिले, कम से कम हमारा उत्पीड़न तो बंद हो। एक एक किसी एक ऐसा है जिसका ना तो कहीं उत्पीड़न हो रहा है और जिसके पास सारे प्रकार के संसाधन हैं, खेती की भूमि उसके पास है, इंडस्ट्रीज उसके पास है, सब कुछ उसके पास है, वो क्यों इकट्ठा हो रहा है? और फिर वो एक जो है वो नफरत पैदा कर रहा है। नहीं, वो तो कहते हैं कि हिंदू खतरे में है, उनको कहाँ खतरे में हिंदू, उनको अकेला, वही तो मैं कह रहा हूँ, उनको परेशान किया जा रहा है। मैं वही तो कह रहा हूँ, हिंदू कैसे खतरे में, हिंदू कितनी संख्या है देश में? वो जिस तरीके से वो बोलते हैं, अगर मैं उसी तरीके से बोलूँ तो 88% समाज खतरे में कैसा हो जाएगा, 12% से कैसे खतरा हो जाएगा? वो कहते हैं कि जान की पॉपुलेशन को बढ़ाया जा रहा है ताकि हम माइनॉरिटी खतरा पैदा कर रहा है। अगर देश में 12-14% मुस्लिम भी हैं, क्या मुस्लिम खतरा पैदा कर रहे हैं, किसी को मार रहे हैं? क्या उनके धर्म के आस्था में कहीं विघ्न पैदा कर रहे हैं? क्या किसी के मंदिर को गिरा रहे हैं? क्या किसी का धर्म की वजह से उत्पीड़न कर रहे हैं? लेकिन वो कहते हैं कि जैसे पाकिस्तान मुस्लिम रिपब्लिक है, ऐसे हिंदुस्तान भी हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, जैसे अफगानिस्तान, सीरिया, लीबिया। पहले तो उनको ना सुनो, पहले तो उनको एक बात समझनी पड़ेगी कि हमें इंसान पैदा करने की जरूरत है। हम कौन है, क्यों हिंदू और मुसलमान में बांट रहे हैं? और दूसरा, क्या सोच के आप ये कर रहे हो, क्या कभी हो पाएगा? ये देश में लगभग 20 करोड़ के पर वोट तो मिल जाते हैं ना, लोग पोलराइज होते हैं, नहीं नहीं वोट देते हैं, वही तो लोगों को समझानी है। आम आदमी पार्टी समझाएगी ये चीज कि देश किसी एक जाति और धर्म का नहीं है, भारत भारत में रहने वाले सब लोगों का है। जब भारत में जातियां नहीं थी, धर्म नहीं था, तब भी भारत था। आप तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात बोल रहे हैं, वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट को नहीं मानते, वो तो प्रीएम्बल को बदलने की बात करते हैं। प्राइवेट मेंबर बिल पेश हो गया प्रीएम्बल के, जो मूल स्ट्रक्चर है उसको चेंज करने के, इसीलिए तो देश के ज्यादातर लोग उसको पसंद नहीं करते हैं। फिर देश में सरकार कैसे, अगर उनकी सरकार भी बनी है तो कितने परसेंट वोट मिला उन्हें? 33% से 36%। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 67% से और 64% तक वोट तो उनके खिलाफ पड़ रहा है ना। इसका मतलब उनकी विचारधारा को तो 50% भी सपोर्ट नहीं मिल रही। सिर्फ डेमोक्रेसी में वो इसलिए चुनाव में जीत रहे हैं या जीते हैं, आगे नहीं जीतेंगे ये बता रहा हूँ आपको, जो अभी तक भी जीते हैं पिछले कुछ ही सालों में जीते हैं, वो इसलिए जीते हैं क्योंकि उन्होंने लोगों को गलत चीज़ें मीडिया का इस्तेमाल करके फीडिंग की है, यूथ के ब्रेन को आई वॉश किया है इन्होंने, ब्रेन वॉश करके उनके दिमाग में गलत चीज़ें भरी हैं। जब युवाओं को पता लगेगा प्राथमिकता ये है ही नहीं, धर्म जाति प्राथमिकता है ही नहीं, प्राथमिकता रोजी रोटी है, प्राथमिकता इंसानियत है। लेकिन सर आप प्राथमिकता प्रेम है कि आज के टाइम पे प्राथमिकता भाईचारा है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी
और गोदी मीडिया जिस तरह से प्रचारित कर चुकी है खुद को, और सोशल मीडिया में एक बड़ा विंग है जो टारगेट करता है। बात का सिर्फ एक जवाब देना चाहूंगा, अगर उस विचारधारा की जीत हुई तो भारत खत्म हो जाएगा। भारत बचाना है तो उस विचारधारा से बाहर निकल के हमें सोचना होगा कि भारत में जितने भी धर्म के लोग हैं, जितने भी जाति के लोग हैं, वो किसी भी जाति धर्म के वो हैं, वो भारतीय है। धर्म किसी व्यक्ति से, मतलब धर्म किसको क्या मानना है ये जरूरी नहीं है। इस सबसे ऊपर इंसानियत है, सबसे ऊपर भारतीयता है। भारत के लोग हैं, सबके पुरखे भारत में पैदा हुए हैं, यहीं मरे हैं। उनमें उन्हीं भारतीय के लोगों में से कुछ लोग क्रिश्चियन बन गए, कुछ लोग बन गए, कुछ लोग शामिल हैं, कुछ लोग जैन बन गए, कुछ लोग बौद्ध बन गए, हैं तो सब भारत के ना। तो तुम इंसान बनो ना यार। राहत इंदौरी साहब की एक सेइंग है कि सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान। वही मैं कह रहा हूँ कि तुम कौन हो ये कहने वाले कि भारत मेरा या केवल हमारा होगा। लेकिन जो राष्ट्र कह रहे हो बाहर भेज देंगे, मैं ये पूछता हूँ क्या भारत को के मुस्लिम को कोई भी दूसरा मुस्लिम राष्ट्र एक व्यक्ति को भी स्वीकार कर लेगा? क्यों करेगा वो? भारत के नागरिक को पाकिस्तान या अफगानिस्तान या बांग्लादेश क्यों स्वीकार करेगा? सही बात। कर लेगा क्या? बिल्कुल। किसी सिख को स्वीकार करेगा क्या? उसको रिफ्यूजी के तौर पर जगह दे सकता है कुछ समय के लिए, वो उसको पढ़ने लिखने के लिए जाए तो वीजा दे सकता है, लेकिन वो रहेगा भारतीय। तो 20 करोड़ की जनसंख्या को कहाँ भेजोगे आप? 20 करोड़ तो मुस्लिम हो गए, 1.5-2 करोड़ कम से कम क्रिश्चियन हो गए, कहाँ भेजोगे किसी को? और क्यों वहाँ भेजोगे? तुम हो कौन भेजने वाले भाई? भारत उनका भी है ना, भारत तो सबका है जो भारत में रहते हैं। धारणा ही गलत है कि वो तय करेंगे। वो क्यों तय करेंगे? वो कौन है तय करने वाले? ठीक बात है। लेकिन जिन राष्ट्रों ने, जिन मुल्कों ने, जिन देशों ने आस्था के आधार पर अपने कॉन्स्टिट्यूशन की स्थापना की, अपने देश की स्थापना की धर्म आधारित, जैसे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, वहाँ पर कट्टरता ने क्या फ्रूट दिया? आज वहाँ पर माइनॉरिटीज का क्या? देखिए पहले तो आप ये समझ लीजिए, जिस देश में कट्टरपन बढ़ा है वो देश तबाह हो गए। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सीरिया, इराक, लेबनान, इन सारे देशों की स्थिति को देख लो आप। अर्थव्यवस्था बिल्कुल चौपट है, सबका जीवन हमेशा खतरे में रहता है, कुछ नहीं पता कब कहाँ बम ब्लास्ट हो जाए। क्या ऐसा भारत बनाना चाहते हो? तो तुम भारत के रखवाले तो नहीं हो। इसका मतलब तुम्हें भारत से प्यार नहीं है? अगर आपको भारत से प्यार है तो यार तुम उनसे सबक लो, पड़ोसी देशों से जो बर्बाद हुए हैं। उन्हीं से तो सबक लेकर ये बोलते हैं कि यदि वो मुस्लिम राष्ट्र हो सकते हैं तो हम हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हो सकते? तो वो बर्बाद हो सकते, तुम क्यों नहीं हो सकते? ये सोचो ना, ये सोच रहे हो क्या कि अगर वो बर्बाद हो सकते तो हम क्यों नहीं हो सकते? ये मैसेज समझ क्यों नहीं आ रहा, इतना कॉम्प्लिकेशन क्यों है इसमें? देखिए ये एक जो आरएसएस है, कट्टरपंथ संगठन है, जिसकी सोच मनुवाद पे आधारित है, मनुस्मृति पे आधारित है। मनुस्मृति समाज को 4 वर्ण में बांटता है, 1000 जातियों में बांटता है। मनुस्मृति की न्याय व्यवस्था में भी अन्याय है। मनुस्मृति ने किसी एक वर्ग को पढ़ने का अधिकार दिया, किसी एक वर्ग को व्यापार का अधिकार दिया, किसी एक वर्ग को सत्ता शासन का अधिकार दिया, रक्षा सुरक्षा का अधिकार दिया, और देश के बहुत बड़े वर्ग को जो 80-85-90% के बीच में, उसको केवल सेवा का की जिम्मेदारी दी कि पूर्व आपके पूर्व जन्मों का फल है ये। तो ऐसी व्यवस्था को आरएसएस लेके चल रही है, तो हम ऐसी व्यवस्था को बिल्कुल पसंद नहीं करते। हमारे लिए इंसानियत पहले है, हमारे लिए सबको क्वालिटी एजुकेशन मिले इसकी प्राथमिकता है, हमारे लिए सबको क्वालिटी हेल्थ सर्विस मिले इसको प्राथमिकता है, हमारे लिए युवाओं को रोज़गार मिले, वो नशे से दूर हों, इसको प्राथमिकता है। अब ये तो लोगों को तय करना है कि किस तरह की सरकार आपको चाहिए, किस तरह की व्यवस्था आपको चाहिए, किस तरह के संगठनों को आप से आप जुड़ना चाहिए, किससे नहीं जुड़ना चाहिए, आपके बच्चों का भविष्य कहाँ सुरक्षित है और कहाँ आपका बच्चों का भविष्य खतरे में है, ये आपको तय करना है। मंत्री रहते हैं, आपने एक स्कीम को जन्म दिया, बहुत प्रख्यात हुई वो स्कीम, पूरे देश में उसकी चर्चा हुई, जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना, जिसके चलते बहुत एस्पायरिंग स्कीम थी, पहली बार जिसने भी सुना वो तारीफ करे बिना नहीं रह सका, और उसकी वजह से कई सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में अपीयर होने के लिए, तैयारी कराने के लिए आपने बहुजन समाज के व्यक्तियों को स्कॉलरशिप दी, एक तरह से उनकी फ़ीस माफ़ी हुई, और अब उनकी प्रतिभा के ऊपर है, वो उन्होंने एग्ज़ाम पास करना है अपनी प्रतिभा से करना है, लेकिन उनको एक मौका मिला कि जितनी, जैसे सिविल सर्विसेज की जो एग्ज़ाम है वो बहुत महंगी एग्ज़ाम मानी जाती है, बहुत उसमें टाइम लगता है, इंजीनियरिंग मेडिकल भी
उसमें उसकी बिना ट्रेनिंग के, बिना उसकी प्रिपरेशन किए आप उसको क्रैक कर लें, ये लगभग नामुमकिन है। कुछ हैं जो चंद प्रतिभाशाली लोग जो घर पर बैठकर पढ़ाई कर 2-3 साल में उसको क्रैक कर लेते हैं। नहीं, उस गणित को समझना पड़ेगा जी। पहले ऐसा भी होता था जो बच्चे 12वीं करके आए सीधे एग्जाम में बैठे और सेलेक्ट हो जाते थे, क्योंकि जो पहले एग्जाम डिजाइन होता था वो उसके 11वीं और 12वीं के कोर्स पर डिजाइन होता था। अब जो कोर्स बनाने वाले हैं उन्होंने ऐसे डिजाइन किया है कि केवल 11वीं 12वीं का कोर्स नहीं आता, उसमें बहुत सारा पोर्शन बाहर से आता है। जो बच्चे कोचिंग लेते हैं वो तो उसको कोचिंग में पढ़ लेते हैं, जो बच्चे कोचिंग नहीं लेते वो उसमें सेलेक्ट नहीं हो पाते। केवल कोचिंग वाले बच्चे अब इंजीनियरिंग में, मेडिकल में। आप सिविल सर्विसेज CSE की बात कर रहे हैं? मैं तमाम तरह के कम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ। आज तमाम तरह के कम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस तरह का क्वेश्चन डिजाइन किया जा रहा है कि जो बच्चे कोचिंग लेंगे वही बच्चे सफल होते हैं, जो बच्चे कोचिंग नहीं लेते वो सफल नहीं होते। सिविल सर्विसेज की कोचिंग, इंजीनियरिंग की कोचिंग, मेडिकल की कोचिंग, जुडिशरी की कोचिंग, मतलब कई कई लाख रुपए में कोचिंग मिलती है उसकी। तो जो बच्चे प्रतिभाशाली हैं, सरकारी स्कूल से पढ़े हैं, जिनके माँ बाप के पास कोचिंग का पैसा नहीं है, तो क्या ऐसी प्रतिभाओं को दफन हो जाना चाहिए? ये सवाल मेरे सामने था जब मैं मंत्री बना। बहुत बढ़िया। तो मैंने एक स्कीम बनाई, जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना। उप मुख्यमंत्री जी से इसकी चर्चा की, उन्होंने कहा ये बहुत अच्छा है, इसको बनाओ आप। उसको बनाया और वो लागू हुई। उसी स्कीम से उस वक्त पहले 8 इंस्टीट्यूट को पैनल पे लिया। पहले वो स्कीम केवल SC ST बच्चों के लिए थी, 5000 बच्चों के लिए। उसी स्कीम 8 कोचिंग इंस्टीट्यूट पैनल पे आए पहले। उसमें बहुत सारे बच्चे वहाँ से कोचिंग लेके फर्स्ट बैच में इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, IITs में, सब जगह सेलेक्ट हुए। और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के द्वारा वहाँ से कोचिंग लेके बहुत सारे बच्चे पुलिस में भर्ती हुए, क्लरिकल में हुए, दूसरी जगह सिलेक्शन हुआ उनका। सैकड़ों बच्चे में मेरे पास लिस्ट आई है अभी, जो रिजल्ट्स आए पीछे के, सैकड़ों बच्चे उसमें सेलेक्ट हुए, लाइफ बन गई बच्चों की। उसके बाद मैंने इस स्कीम को फिर जब मुख्यमंत्री जी से और उप मुख्यमंत्री जी से चर्चा की कि इसको क्यों ना एनलार्ज किया जाए, ताकि कोई किसी भी जाति धर्म का जो गरीब है उनको भी इसमें मौका मिल जाए, तो फिर हमने इसको एनलार्ज करके सबके लिए खोल दिया। आज किसी भी जाति धर्म का बच्चा, वो दिल्ली का होना चाहिए, जो दिल्ली से 10वीं 12वीं जो कर रहा है, उस बच्चों को की पूरी कोचिंग का खर्चा, चाहे वो सिविल सर्विसेज की हो, इंजीनियरिंग की हो, मेडिकल की हो, जुडिशरी की हो, तमाम तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की कोचिंग, वो किसी जाति धर्म का हो चाहे, जिनके सालाना इनकम पूरे परिवार की 8 लाख से ऊपर न हो, वो सब उसमें कोचिंग ले रहे हैं। क्या प्यारी बात। 15000 बच्चे कोचिंग ले रहे हैं, 15000 बच्चे ले रहे हैं। यस, क्या बात है। और अब 46 इंस्टीट्यूट हमारे पैनल। अच्छा, ऐसे आइडिया किसी और को क्यों नहीं आते? ऐसा क्या प्रॉब्लम क्या है? मतलब पता तो है कि ये स्कीम है, काम हो सकता है। एक ये होता है, एक सोच, एक जो नॉर्मल वातावरण में पैदा हुआ, पला बड़ा हुआ, उसका उधर ध्यान नहीं जाएगा। जिसने फेस किया पैदा होने से लेके अब तक, उस दंश को झेला है, उसका ध्यान जाएगा कि यार ये होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, इसके साथ एक स्कीम मैंने और बनाई, आपको याद होगा जब मैं मंत्री बना 19 मई 2017 को, उसके एक महीने के 1.5 महीने के अंदर आप मेरे साथ थे। हाँ जी। 4 घटनाओं में 11 लोगों की सीवर में डेथ हुई। हाँ, मुझे याद है। तो मेरे को ये बात बार बार अखर रही थी कि हम लोग चंद्रयान भेज रहे हैं, मंगलयान भेज रहे हैं, मतलब इतनी जो एक अनहोनी सी चीज़ तो हम कर रहे हैं, और सीवेज में आदमी, और जो सीवर है जिसमें मशीन से साफ किया जा सकता है, उसमें आदमी मर रहा है। पहले तो इनह्यूमन है कि आदमी के मलमूत्र के अंदर आदमी उतर रहा है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि इसको मैकेनाइज तरीके से साफ नहीं किया सकता। तो उसके लिए फिर हमने एक योजना बनाई कि क्यों ना ऐसी मशीनें लेकर आएँ जिसपे, जिसका मालिक भी उन्हीं उसी समाज के लोगों को बनाए। क्योंकि जो एक्ट है, मैनुअल स्केवेंजिंग प्रोविजन एंड रिहेबिलिटेशन एक्ट जो है, उस एक्ट के तहत भी ये प्रोविजन है, बिल्कुल, उनको रिहेबिलिटेट भी आपने करना, सरकारों को करना। तो उसमें हमने 200 मशीन लेकर आए, उन्हीं परिवारों को उसका मालिक बनाया और सीवर में उतरने पे कंप्लीट बैन लगा दिया। और आज वो परिवार 3 लोगों को एक मशीन पे तनख्वाह देने के बाद, एक ड्राइवर, 2 हेल्पर और मशीन की किस्त देने के बाद बैंक की, क्योंकि बैंक सरकार की गारंटी पे मिली है, और उनकी किस्त देने के बाद, सारे खर्चे काटने के बाद भी उस परिवार के अकाउंट में हर महीने 35 से 40 हज़ार महीना आ रहा है। क्या प्यारी बात, बहुत बढ़िया। 7 साल का उनको कॉन्ट्रैक्ट मिला, 5 साल में इनकी किस्त उतर जाएगी, उसके बाद 1.5 लाख रुपये से ऊपर उनके अकाउंट में आएगा 7 साल के बाद। फिर वो मशीनों की जरूरत तो पड़नी है, आगे भी चलेंगी। तो ये जो सीवर में उतरना और सीवर में मरना, जो सिलसिला पूरे देश में आज भी चल रहा है, ये इनह्यूमन काम है, ये बंद करना जरूरी था। तो ये किसी, ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये कोई नई चीज़ है।
क्यों पूरे देश में किसी के दिमाग में ये बात नहीं आई, मेरे दिमाग में क्यों आई, क्यों मैंने फिर उस स्कीम को पूरा समझा और फिर मुख्यमंत्री जी से, अरविंद जी से बात की, उन्होंने एक मिनट मुझे लगाया, उनका यार ये बहुत ज़रूरी है, ये तो होना चाहिए, लोगों का इनह्यूमन काम है बंद होना चाहिए, लोगों की डेथ बंद होनी चाहिए, हमने किया ना। और कुछ मुआवजा भी दिया था जिन 10-10 लाख रुपये ढूंढ ढूंढ के जो भी केसेस थे पुराने सबको उनको मुआवजा भी दिया। और एक चीज़ और मैं आपको बताऊँगा, उसके बाद भी इस तरह की घटना है कि सीवर में तो उतरना बंद हो गया, सीवर में डेथ बंद हो गई, लेकिन प्राइवेट बिल्डिंग में, मॉल में, सेप्टिक टैंक में फिर इस तरह की कुछ घटना हुई। फिर हमने बात करके फिर एक और योजना बनाई कि अब हम प्राइवेट बिल्डिंग और मॉल के सेप्टिक टैंक को भी सरकार साफ करेगी। अरे वाह, आप हमसे फोन पे बात, ये तो कहीं भी नहीं हुआ होगा ऐसा, कहीं पे नहीं हुआ। अब वो 250 मशीनों का टेंडर हो चुका है। क्या बात, अब वो मशीनें भी आने वाली हैं, उसी पैटर्न पे लाई गई हैं, वो मशीनें आएंगी, उसके बाद दिल्ली में एटलीस्ट मैं ये कह सकता हूँ कि सेप्टिक टैंक में भी कोई डेथ नहीं होगी। एक बात बताएं, मेरे से बहुत सारे लोग, मैं कमेंट पढ़ता हूँ जब हम इंटरव्यू शूट कर रहे हैं, इंटरव्यू डालते हैं यूट्यूब पर, ट्विटर पे, हम जब छोटे वीडियोस डालते हैं, टीजर्स डालते हैं, नीचे लोग कमेंट में लिखते हैं, मुझे डीएम में भी भेजते हैं कि इतनी अनूठी अनूठी स्कीम्स आपने बनाई हैं, इसका प्रचार देश में तो बहुत आग की तरह फैल जाना चाहिए और आग की तरह आम आदमी पार्टी का संगठन भी फैलते जाना चाहिए। संगठन फैल रहा है, बहुत एग्रेसिवली हमारी पार्टी चारों तरफ पहुँच रही है, इस बात की, लेकिन ये दोनों स्कीम का प्रचार चाहता था उस पर अब चर्चा शुरू हुई है। मैं तो शुरू से चाहता था कि ये बड़ी स्कीम है और इनकी बहुत वैल्यू है और इनकी ज़रूरत है, पूरे देश में लोग इसको चाहते हैं। आपको यकीन है कि हमारे संगठन को इन स्कीम्स के बारे में अच्छे से पता होगा, हमारे संगठन को, एक आम आदमी को कुछ भी छोड़ देते हैं तो कहाँ। मुझे लगता है कि जिन वर्गों की मैं बात कर रहा हूँ उनमें तो मैंने कम से कम ये बात घर घर तक पहुँचा दी है, लेकिन अभी ओवरऑल चर्चा में उस तरह नहीं है जैसे मीडिया में दूसरे सेक्टर की चर्चा होती है, उस तरह अभी नहीं है। लेकिन मुझे ये जान के खुशी है कि हमारी सरकार ने अब उसके ऊपर वीडियोस बनवाई हैं, वो टीवी पे जाएंगी और अब वो अच्छे से वायरल होंगी, लोगों को ज़्यादा अच्छे से उसके बारे में जानकारी भी मिलेगी, लोग उसका लाभ भी उठाएंगे और एक बहुत ही महत्वपूर्ण सरकार की स्कीम जो निश्चित तौर पर हर लिहाज से, इंसानियत के दर्जे से भी हर लिहाज से बेहतरीन स्कीम है, और मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ केवल भारत नहीं पूरी दुनिया में उन दोनों स्कीम की चर्चा होगी। बिल्कुल, हम जनवरी के महीने में हैं, बहुत जल्दी गणतंत्र दिवस आने वाला है। दिल्ली सरकार ने, अभी तो कोविड की वजह से वो नहीं हो पाया, पर दिल्ली सरकार ने एक बड़ा अनूठा कार्यक्रम संचालित करने का प्रोग्राम बनाया था, 5 जनवरी से उसका उद्घाटन होना था, कोविड के चलते नहीं हो पाया, कि बाबा साहब के जीवन के अलग अलग आयामों को, अलग अलग विषयों को जनता के सामने रखा जाएगा, जिससे उनकी जो सोच थी, उनकी जो एक ऑरा थी, उनकी जो एक व्यापक पर्सनैलिटी थी, वो आम जनमानस तक उस तरह से पहुंचे जैसे पहुंचनी चाहिए थी, जो वो डिज़र्व करते हैं। क्या होने वाला था इससे? एक्चुअली मुझे बेहद खुशी है इस बात को आपके साथ साझा करते हुए कि डॉक्टर अंबेडकर को लोगों ने और राजनीतिक पार्टियों ने एक दायरे में कैद करके रखा। कभी उन्हें केवल दलितों का लीडर के तौर पर पेश किया, तो कभी केवल संविधान निर्माता के तौर पर पेश किया, जबकि जितनी बिजली की कंपनियां और जितनी वैली बनी हैं उसमें उनका, उनकी सोच और उनका काम नज़र आता है। भारत का रिजर्व बैंक, उनकी जो थीसिस थी द प्रॉब्लम ऑफ रुपी इन इंडिया एंड इट्स सॉल्यूशन, उसके ऊपर भारत का रिजर्व बैंक बना। जो जो खेती की ज़मीन को लेके जो उनकी गाइडलाइंस थी, या जो पंचवर्षीय योजना बनी, जो प्लानिंग कमीशन बना, वो उनकी सोच के ऊपर है। मतलब डॉक्टर अंबेडकर एक दुनिया के बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, दुनिया के बहुत बड़े समाजशास्त्री थे, पॉलिटिकल फिलोसोफर थे, लीगल ल्यूमिनरीज थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे, किसानों को लेकर जो उन्होंने काम किए, मजदूरों को लेकर जो काम किए वो अविस्मरणीय है, लैंड रिफॉर्म के ऊपर जो उन्होंने काम किया, जो जो बिजली जो जो दामोदर वैली और दूसरे जो बांध बने वो उनकी सोच से बने, और जो वो लेबर मेंबर रहते हुए मैटरनिटी लीव का एक्ट लेकर आए, मिनिमम वेजेस एक्ट लेकर आए और पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट लेकर आए, काम के घंटे निर्धारित किए 8 घंटे, उससे पहले 14-14 घंटे काम लिया जाता था। तो जो सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स, मजदूरों की, किसानों के ऊपर स्कीम्स, भारत की आर्थिक विकास की स्कीम, मतलब इतना सारा, ऐसा एक इतना बड़ा कैरेक्टर को इतनी छोटी उसमें कैद करके अब तक राजनीतिक पार्टियों ने और कुछ संगठनों ने रखा, उसको
हमारे मुख्यमंत्री जी ने उनके बारे में अच्छे से पढ़ा और उनके बारे में पूरा पढ़ने के बाद उन्हें लगा कि ये तो कैरेक्टर दुनिया में अनोना है, अद्भुत है, इस कैरेक्टर को ऐसे सीनों में कैद कैसे किया जा सकता है। उन्होंने तय किया कि हमारे पार्टी के दो लीजेंड होंगे, दो आइकॉन होंगे जिनको हमारी पार्टी फॉलो करेगी, एक डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, दूसरे शहीद भगत सिंह। और उसके बाद उन्होंने तय किया कि हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के जो अलग अलग तरह के रूप हैं, जो अलग अलग तरह के आयाम हैं, जो अलग अलग तरह की प्रतिभाएं उनके अंदर थी, जिस तरह के उन्होंने काम किए, उसको क्यों ना नाट्य के माध्यम से चित्रित करके उनके अलग अलग रूप को जन जन तक पहुंचाया जाए। और उसका मंचन 5 जनवरी से होना था, अनफॉर्चुनेटली कोविड बढ़ गया और वो अभी फ़िलहाल टाल दिया गया, लेकिन उस पर काम हो रहा है, वो आगे भविष्य में उसकी डेट तय की जाएगी। बहुत बढ़िया। और अरविंद जी ने अलग अलग अपने भाषणों में, अलग अलग वक्तव्यों में ये बार बार जिक्र किया है कि मुझे बाबा साहब के सोच का भारत बनाना है, और एज अ मुख्यमंत्री हम देख रहे हैं कि दिल्ली में जितनी भी स्कीम्स हैं उसको आप एक चीज़ को समझो जी, क्यों अरविंद केजरीवाल जी से मैं बहुत प्यार करता हूँ या और बहुत लोग पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में लोग प्यार करते हैं, तो उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि अभी तक हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी जिस तरफ बढ़ रही थी वो एक ऐसी पॉलिसी जिसमें अमीरों के बच्चे पढ़ पाएंगे, गरीब के बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, वो केवल मजदूर बनेंगे। जिस तरीके से सरकारी स्तर पर शिक्षा के स्तर को गिराया गया, फिर नो डिटेंशन पॉलिसी ला के रईसी शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर दिया गया, ऐसी स्थिति में जब स्कूलों से लोगों का भरोसा उठ रहा था, ऐसी स्थिति में अपने टोटल बजट का लगभग 24-25% खर्च करके दिल्ली के सरकारी स्कूलों के शिक्षा के स्तर को बेहतरीन बना के डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की ये सोच कि अमीर हो या गरीब हो सबके बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन सरकारी खर्चे पर मिले, अमीर हो या गरीब हो सबके बच्चों को सरकारी खर्चे पर क्वालिटी हेल्थ सर्विस मिले, ये जो एजेंडा है, जो डॉक्टर अम्बेडकर का ये एजेंडा जो भारत के संविधान की डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में नज़र आता है। बिल्कुल, जब आर्टिकल 33 से आर्टिकल 50 तक पढ़ें तो उसमें आर्टिकल अलग अलग आर्टिकल्स में आपको ये सारे जो सोशल जो स्कीम्स है जो एक भारत को एक सोशलिज्म की तरफ भी ले जाती हैं और जो गरीब से गरीब के बच्चे को न्याय देती हैं, उनको रोज़गार, उनके भरपेट खाना, क्वालिटी न्यूट्रिशियस फूड, देश के विभिन्न संसाधनों में, प्राकृतिक संसाधनों में समान रूप से वितरण हो, उसकी बात करती है। सारा जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी है जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की सोच थी कि उनको फंडामेंटल राइट बनाया जाना चाहिए, उसको अरविंद केजरीवाल जी ने एक चैलेंज के तौर पे लिया और उसको दिल्ली में कम से कम कुछ क्षेत्रों में फिलहाल लागू करके एक ऐसा विश्वास पैदा किया कि ये डॉक्टर अम्बेडकर की सोच से ही संभव है। इसीलिए शायद उन्होंने दो कैरेक्टर चुने, एक शहीद भगत सिंह जो धार्मिक रूप से अंधे नहीं थे, जो इंसानियत की, जिनके मन में इंसानियत थी, तो सबको समान रूप से आगे बढ़ने के अवसर बने इस दिशा में सोचते थे, जाति धर्म के नाम पे समाज ना बटे इस दिशा में सोचते थे, देश से प्रेम हो, देश के प्रति अपने आप को निछावर करने की भावना हो, ये बात वहाँ से अरविंद जी ने ली। और सरकारी स्तर पर सरकारी खर्चे पर सबको क्वालिटी एजुकेशन, सबको क्वालिटी हेल्थ सर्विस, सबको भरपेट न्यूट्रिशियस फूड, सबको सरकार की नज़र में, कानून की नज़र में सब लोग समान और सभी प्रकार के अवसर सबको समान रूप से मिले, देश के संसाधनों में सबको हिस्सेदारी समान रूप से मिले, वो जो डॉक्टर अम्बेडकर की सोच थी, जो विविधताओं के बावजूद भारत को कैसे एकजुट रखा जाए, क्योंकि जिस तरह भारत में अनेकों जाति और अनेकों धर्म है उसको बांध के रख पाना बड़ा मुश्किल था। भारत आज़ाद होने से पहले 562 रियासतें थीं, सबकी अलग अलग सेनाएँ थीं, कैसे रखेंगे भारत को एकजुट, तो उसके लिए जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने दुनिया की संविधानों को पढ़कर जो एक बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन दिया इंडिया को, जिसने पूरे देश को एकजुट कर दिया, वो सोच सबको साथ रूप ले कर चलने की, सबको समान रूप से लेकर आगे बढ़ने की, सबको समान अवसर देने की, वो सोच डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर से ली। तो अरविंद केजरीवाल जी ने लिया कि ये दो कैरेक्टर ऐसे हैं, अगर इन दो पे चलेंगे तो भारत मजबूत होगा और तब भारत जाके दुनिया में फिर से विश्वगुरु बनेगा, जैसे भारत सोने की चिड़िया सम्राट अशोक के टाइम पर जब बौद्ध में भारत था तो भारत बौद्ध में भारत बनेगा, यानी जो बुद्धि से सोचता है, जो बुद्धि और विवेक से सबके कल्याण की भावना रखता है, ऐसा भारत बनेगा, सबके कल्याण की भावना रखता है। बहुत बढ़िया। मुझे याद आ गया वो समय जब लंच पर हम लोग सब साथ बैठकर, जब मैं आपके साथ काम किया करता था और हम लोग नशे पे भी चर्चा किया करते थे कि नशे के अगेंस्ट में क्या क्या काम करना है,
बहुत सारी चीज़ें आपने इनिशिएट की और इस तरह के बहुत सारे डिस्कशन हम लंच पे करते थे। लंच ख़त्म हो जाता था फिर भी हमारी चर्चा चलती रहती थी, मुझे वो समय याद आ गया और मैंने बहुत इन्जॉय किया आज आपसे बात करते हुए। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने समय निकाला, कड़कती ठंडी में हम बैठे और इसी हफ्ते मेरी कोशिश है कि इस प्रोग्राम को हम अपलोड करेंगे आम आदमी पार्टी के यूट्यूब पेज पर और ट्विटर के माध्यम से भी लोगों तक पहुंचेगा, फेसबुक के माध्यम से भी लोगों को पहुंचेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और मैं ये संकल्प भी करता हूं और आशा भी करता हूं कि इस रास्ते जो हमने चुना है अरविंद जी की सोच के साथ, बाबा साहब की सोच के साथ, शहीद आज़म भगत सिंह की सोच के साथ, इस संकल्प को हम अपने जीवन में पूरा करके दिखाएंगे और देशवासी हम पर विश्वास कर रहे हैं, करते रहेंगे और सपनों का भारत, बाबा साहब सपनों का भारत कुछ अंश तक ही सही हम बना दें। बहुत बड़ा सपना उन्होंने देखा था और हम उसके रिवर्स डायरेक्शन में काम करते चले। मैं समझता हूँ अगर हम अपनी सोच के लोगों को बढ़ाते चले गए तो निश्चित तौर पर सपना बनता जाएगा। जो बिल्कुल सीख कहा आपने और आज की शाम को यही अंत करते हैं। आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी।